आज हम बनाएंगे सिर्फ 5 मिनट में ऐसी क्रिस्पी खस्ता करारी नमकीन जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। ये इतनी स्वादिष्ट होती है कि इसको खाने वालों ने इसका नाम टेस्टी रख दिया है। तो हम हो, आप हो या कोई भी हो, सभी को ये नमकीन बहुत पसंद आती है और ये बनती भी बहुत आसान तरीके से है। तो होली आ रही है, बना करके तैयार कर लीजिए बढ़िया, और आराम से 6-7 महीने तक इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। तो इस मूंगफली में से जो ख़राब दाने हैं उनको हमने हटा दिया है। ये स्टेप करना फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। ख़राब दानों को हटा देने के बाद में हम मूंगफली को ले लेंगे और एक बाउल में नाप करके मूंगफली को लेंगे। तो यहाँ पर 2 कप मूंगफली के दानों को हमने ले लिया है। तो अब करना क्या है, इसमें डालना है पानी। तो अच्छे तरीके से इनको वॉश कर लेना है, बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, लेकिन हाँ हल्के हल्के हाथों से इनको वॉश जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर गंदगी रह जाएगी तो हमारी नमकीन ख़राब हो जाएगी। तो इसमें ज़रा भी कसकसाहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी धूल मिट्टी के कण नहीं होने चाहिए। तो इससे तो उसे उठाएंगे और स्टेनर में डालेंगे। तो इस तरीके से मूंगफली के दानों को बाउल में से निकाल लेना है, ना कि पानी को निकालना है, क्योंकि अगर हम पानी निकाल देंगे तो जो धूल मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं वो हमारी मूंगफली के दानों में ही रह जाएंगे। तो ये स्टेप ज़रूर कर लेना है। तो बाउल में जो पानी रह गया था उसे हमने हटा दिया है, बाउल को धुल करके अच्छे से फिर वो दाने हमने उसी बाउल में डाल दिए हैं। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से पीनट को हमने साफ़ करके ले लिया है। अब इन्हें हम साइड में रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे और इस बाउल में डाल देंगे 1 कप बेसन। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, 2 कप मूंगफली के दाने हैं तो 1 कप बेसन लेंगे, मतलब जितने मूंगफली के दाने होंगे उसके आधी क्वांटिटी में हमको बेसन को लेना है। और बेसन को लेने के साथ में हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। कॉर्नफ्लावर की जगह पर आप यहाँ पर 2 चम्मच चावल के आटे को भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा कर देने से हमारी नमकीन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है। अब मसालों में सबसे पहले डाल देंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 पिंच के करीब हींग डाल देंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। और थोड़ी सी हमने इसमें तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की है, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जाएगा इसमें गरम मसाला। अब सारे मसालों को एक बार अच्छे तरीके से बेसन में मिक्स कर लेना है। और 2 खास चीज़ें अभी भी इसमें मिक्स करनी बाकी हैं। तो ये सारे मसालों को मिक्स कर लेने के बाद में वो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पर बेसन में सारी चीज़ें अच्छे से मिल गई हैं। अब हमको ऐड करना है इसमें 1/2 छोटा चम्मच सोडा। तो ये खाने वाला सोडा है, इसको ऐड करना ज़रूरी है। और इसके एक्टिवेट करने के लिए हम डालेंगे लेमन जूस। तो 2 चम्मच के करीब लेमन जूस को डाल देने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर लेमन जूस की जगह पर सिट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि बेकिंग सोडा डाल देने के बाद में लेमन जूस या फिर सिट्रिक एसिड डाल दीजिएगा एक्टिवेट होने के लिए। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है इस नमकीन में, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारी नमकीन जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता करारी और बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाएगी, क्योंकि जो बेसन रहेगा वो उस पर चिपक जाएगा, फूला फूला सा नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये स्टेप कर लेने से जो बैटर लगेगा बेसन का मूँगफली के दाने पर वो फूला फूला सा बनेगा। अब सारी चीज़ें बेसन में अच्छे से मिल गई हैं। अब लास्ट में हमें इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देने हैं जो हमने धुल करके रखे हुए थे। तो सारे ही दानों को डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 4 चम्मच। तो कांटे वाले चम्मच से धीरे धीरे करके इसको मिक्स करना है। बड़े चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर बेसन की कोटिंग अच्छे से करनी है दानों पर। अगर हम यहाँ पर बड़े चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो कोटिंग होने के स्थान पर जो बेसन मूंगफली में चिपका हुआ है वो भी निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मूंगफली के दानों में जो नमी है, हमने उसे वॉश किया था, इस वजह से उसमें जो नमी है, पहले उस नमी में बेसन चिपक जाएगा नमी की वजह से, और इसके बाद में थोड़ी थोड़ी सी पानी की छींटे मार करके हम इसको गीला कर लेंगे, मतलब हल्का सा नम कर लेंगे। तो इस तरीके से टॉस कर लीजिए, इसके बाद पानी के छींटे मार लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे और इसे टॉस करते रहेंगे। हाथ नहीं लगाना है, स्पैचुला या चम्मच भी नहीं लगाना है, ऐसे इसको टॉस करते रहेंगे और पानी से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके का डो बन करके रेडी हो जाएगा मूंगफली के दानों के साथ में बेसन का। तो बस ये रेडी है, आइए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब यहाँ पर नमकीन बनने के लिए मूंगफली के दाने एकदम रेडी है। इनको थोड़ा थोड़ा सा करके हम इस पे निकाल लेंगे, इस तरीके से जिसे पूरियाँ निकालते हैं उस जाली पर निकाल लेना है और उसके बाद में कढ़ाई में डाल देना है। ये देखिए, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। अब यहाँ पर लो टू मीडियम फ्लेम पर गैस पे कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने को रख दिया था और ऑयल ठीक से गर्म हो गया है। अब हम धीरे से मूंगफली के दानों को इसमें डाल देंगे। ये देखिए,
इस तरीके से डाल देंगे और अभी टच नहीं करना है, आधा मिनट तक इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ऑयल को अच्छा डालना है कढ़ाई में, जिससे कि मूंगफली के दाने अच्छे से डूब जाएं ऑयल में, और उसके बाद में जितने एक बार में आ जाएं ईजिली उतना डाल दीजिए। और 30 सेकंड के बाद में हमें इसमें किसी चम्मच से ऐसे करना है, तो आप किसी मोटे चम्मच का इस्तेमाल मत करिएगा, जो हमारे स्पैचुला या चमचे वगैरह होते हैं उसके पीछे वाले साइड से आप इसको ऐसे धीरे धीरे से अलग कर लीजिए। ये ईजिली अलग हो जाते हैं, बिल्कुल पेशेंस रखते हुए हमें इन्हें धीरे धीरे से अलग कर लेना है। और इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर डाला तो एकदम से ये सेट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, तो फिर जल भी सकते हैं, पकेंगे भी नहीं, बढ़िया क्रिस्पी बनके नहीं निकलेंगे, और ये चिपक भी जाएंगे तो फिर छूटेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें डालने के बाद में 30 सेकंड तक रुक जाएंगे, और उसके बाद में ऐसे स्पैचुला के बैक साइड से धीरे धीरे से करते हुए हमें इन्हें छुड़ा लेना है। और अगर थोड़े बहुत रह भी जाएंगे तो बाद में पकने के बाद में भी ये इजीली छूट जाते हैं, अलग अलग दाने हो जाते हैं। तो अच्छे तरीके से नमकीन को चलाते रहेंगे, बाद में पकाते रहेंगे, अच्छे तरीके से क्रिस्पी हो जाने दीजिए और उसके बाद में इसे बाहर निकाल लीजिए। देखिए कितने बढ़िया मार्केट स्टाइल नमकीन बन करके तैयार हो रही है, और ये नमकीन सबसे सस्ते में और सबसे आसान तरीके से बन करके रेडी हो जाती है। और खाने में तो आप जानते ही हैं, इससे बढ़िया नमकीन तो मुझे तो कोई नहीं लगती। और आपको अगर लगती है तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी अगर पसंद आ रही हो फ्रेंड्स तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही यूनिक और डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ देखने के लिए। तो बस ये दाने पक कर के रेडी हैं, मतलब नमकीन हमारी रेडी है। अब इसे बाहर निकाल लेते हैं, बस अब इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया नमकीन बन करके रेडी होती है, एकदम मार्केट स्टाइल बनती है। तो अब इसमें गरम गरम में ही हमको कुछ मसाले ऐड कर देने हैं, तो उसको साइड में रखेंगे और फटाफट से मसाले बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला, चम्मच लेंगे काला नमक, और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच हम इसमें डालेंगे मिर्च पाउडर, 5-6 लौंग को ऐसे पीस करके हमने ले लिया और इसके पाउडर को डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और गरम गरम इस नमकीन पर हम इसका टेस्ट डाल देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनने के लिए इस पे ये पाउडर डाल देंगे। तो ये पाउडर ही मेन है जो इसे टेस्टी बनाता है, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा और नमक इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स नमकीन हमारी बन के रेडी है, एक बैच रेडी है, दूसरे बैच को भी निकाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जब गरम गरम होगी तभी हमें ये मसाले इसमें डालने हैं, इससे अच्छे तरीके से चिपक जाते हैं। तो मिक्स कर लेंगे अच्छे से और सेकेंड बैच की तैयारी कर लेते हैं। बचे हुए मूंगफली को भी हम डाल देंगे इसमें, अलग अलग कर लेंगे, फिर पक जाने के बाद इसे बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर दूसरे बैच को भी इसी के ऊपर डाल देंगे, अब इसके ऊपर से भी मसाले डाल देंगे। तो मसाले अच्छे से डालने के बाद में इसे मिला लेंगे, इस तरीके से मिला लीजिए क्योंकि गरम गरम में ही अच्छे से मिलता है। ये नमकीन बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती है और बाद में दाने दाने अलग हो जाते हैं इस तरीके से, ये देखिए सब अलग हो जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये बंद जाते हैं। तो बस आप भी होली में बना के तैयार करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। दिखाऊंगी आपको, देखिएगा इसकी क्रिस्पनेस, देखिए कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी दाने बन करके रेडी होते हैं, बहुत ही बढ़िया नमकीन है। ये देखिए इसकी खनखनाहट से आप समझ पा रहे होंगे कि ये कितनी बढ़िया नमकीन बन करके रेडी होती है घर में। आप भी बनाइएगा, मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।